एंड अनसर्टेन सर्टेनिटीज, सही है। अच्छा, इससे पहले आप कुछ टर्म्स है वो नोट कर लें, लिख लिया अपने साथ। प्रेसिशन, प्रेसिशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर मैग्नीट्यूड जी। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एनी इंस्ट्रूमेंट, लिख ले, द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एनी इंस्ट्रूमेंट पॉसिबल एरर इन एनी इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट। हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट जी, लीस्ट काउंट किस तरह किसे कहते हैं? लीस्ट काउंट मीन्स द वैल्यू अप टू विच वी कैन मैयर। अच्छा, उसके बाद लिख लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, इक्वल का साइन डाल दो, लीस्ट काउंट ऑफ अपैरेटस। अच्छा, वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज फिक्स, ये भी लिख लो साथ में, ये कुछ पॉइंट्स है, नेसेसरी पॉइंट्स। वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज फिक्स, दे वैल्यू विल बी फिक्स, चेंज नहीं होगा, इसका एक ही वैल्यू होगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का। उसके नीचे लिख दो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी गिव यू, जी, अनसर्टेनिटी गिव यू द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ एरर। अनसर्टेनिटी गिव यू द रेंज ऑफ वेरिएशन ऑफ एरर विद इन द लीस्ट काउंट ऑफ एपरेटस। लिख लिया। अच्छा, उसके बाद नीचे लिख लो एक्यूरेसी इज इक्वल टू, इक्वल साइन लगा दो, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर फिर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एरर डिवाइड बाय क्वांटिटी मेजर। उसके नीचे लिख लो अच्छा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी रिलेटिव एरर एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आर सेम थिंग, ये सारे सेम है, यानी अगर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आर सेम, सेम थिंग्स लिख लो, यानी एक्यूरेसी का दूसरा नाम यानी रेट ऑफ एरर है, रेट ऑफ एरर को आप एक्यूरेसी भी कह सकते हो, एक्यूरेसी को आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी भी कह सकते हो, सही है। अच्छा, अब इसको पढ़ते हैं। अच्छा, एक्यूरेसी इज द डिग्री टू विच ए मेजर अप्रोचेस द ट्रू वैल्यू। किसी भी इंस्ट्रूमेंट, फिजिक्स में हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उसका एक्यूरेसी वो एक्यूरेट होना चाहिए, यानी नियर टू आइडियल वैल्यू, उससे जो हम वैल्यूज लेते हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, नियर टू आइडियल होना चाहिए। अगर नियर टू आइडियल केस होगा तो इट मीन्स द एक्यूरेसी ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज हाई, इट मीन्स दैट इंस्ट्रूमेंट इज टू एक्यूरेट, सही है। इज द डिग्री टू विच अमेयरमेंट अप्रोचेज द ट्रू वैल्यू, सही है, कि फॉर एग्जाम्पल ट्रू वैल्यू मेरे साथ 4 है, सही है, तो मेरे साथ जो आंसर है वो कितना ट्रू वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो दिस इज योअर एक्यूरेसी। समझ आ गया कि आपका जो आपने जो मेयरमेंट किए उस इंस्ट्रूमेंट से वो कितना 4 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, सही है। और यू कैन डिफाइन द एक्यूरेसी एज द
एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर टू द क्वांटिटी मेजर्ड, सही है। एक्यूरेसी में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर टू द क्वांटिटी एरर, इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हो। अगर एरर मेथड कम होगा तो इट मींस मेथड एक्यूरेसी दैट विल बी मोर एक्यूरेट, सही है। अच्छा, एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द इक्विपमेंट यूज, ये इक्विपमेंट पे डिपेंड करता है। द स्किल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, स्किल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर मींस के कितना नॉलेज है उसके पास एक्सपेरिमेंट के बारे में, सही है। अगर ज़्यादा नॉलेज होगा तो मींस वो जो एक्सपेरिमेंट करेगा वो मोस्टली नियर टू द आइडियल वैल्यू होगा। स्किल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपका जो लैब टीचर है, लैब टीचर उसके पास कितना नॉलेज है उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिस पे वो मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर ज़्यादा नॉलेज होगा तो वो जो वैल्यू फाइंड करेगा उस इंस्ट्रूमेंट से तो वो नियर टू आइडियल केस होगा और मोर एक्यूरेट होगा, सही। एंड द टेक्निक यूज, आप कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हैं। रिड्यूसिंग सिस्टमेटिक एरर और अनसर्टेनिटी इन ए मेजरमेंट इंप्रूव एट एक्यूरेसी, सही है। सिंपल एक्यूरेसी मींस यानी कितना एक्यूरेट है, सही है, कितना आइडियल वैल्यू, नियर टू आइडियल वैल्यू है, सही है। समझ आ गया आपको एक्यूरेसी का। अच्छा, उसके बाद प्रिसिशन। प्रिसिशन एट डिफरेंट टर्म्स है। प्रिसिशन इज दैट इज द डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द रैंडम एरर इन द मेजरमेंट, और यू कैन डिफाइन द प्रिसिशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, सही है। प्रिसिशन इज दैट पार्ट ऑफ द एक्यूरेसी विद इन विच द विद इन द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। द एक्सपेरिमेंट में चूज डिफरेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड मे यूज देम with different level of skill thus affecting the precision of measurement. Precision means the magnitude of the error. अच्छा, for example आप let's you want to measure the distance from phase 2 to phase 3. First you take the meter rod and the least count of that meter rod is 1 kilometer. And the least count उस पर एक किलोमीटर है, मीटर, एक बड़ा मीटर रोड आपने ले लिया, सही है। उसमें किलोमीटर है कि यहाँ पे 1 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, सही है। तो आफ्टर मेजरिंग डिस्टेंस यू गेट 10 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम फेज 2 टू फेज 3। नाउ आफ्टर दैट यू गेट अनदर मीटर रोड एंड मेजर द डिस्टेंस एंड मेजर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम फेज 2 टू फेज 3, यू गेट वैल्यू 2005 सेंटीमीटर। And the least count of this meter rod is 1 centimeter. And the least count of this meter rod is 1 centimeter. अच्छा, अभी आप मुझे बता दें कि इसमें कौन सा बहुत एक्यूरेट होगा, नियर टू आइडियल वैल्यू होगा, 2005 सेंटीमीटर या 10 किलोमीटर। 2005 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यूज होती हैं उसको हम यानी अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप हाफ डिस्टेंस आपने मैं ये कर, आप कहते हो नहीं ये तकरीबन हाफ किलोमीटर होगा तो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही है। लेकिन अगर आप सेंटीमीटर में काउंट कर लो तो आप कहते हो कि तकरीबन 25 सेंटीमीटर होगा, 26, तो उसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, सही है। अच्छा, इसमें एक्यूरेसी किसका ज़्यादा होगा, 2005 सेंटीमीटर का, क्योंकि वो नियर टू आइडियल वैल्यू है, सही है। उसके साथ लिख लो, उसे इस तरह राउंड ऑफ कर दो और कह दो कि मोर एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट और हाई एक्यूरेसी। या हाई एक्यूरेसी 10 किलोमीटर के साथ लिख लो, लेस एक्यूरेट या लो एक्यूरेसी बट हाई प्रिसिशन वैल्यू। अच्छा, ये 2005 के साथ लिख लो, लो प्रिसिशन वैल्यू। किस तरह लो प्रिसिशन वैल्यू होगा इसका, अभी मैंने आप प्रिसिशन के लिए आपने क्या लिखा है, प्रिसिशन के लिए आपने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर, ओके। इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन दिस केस विल बी
नहीं, हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट. सो द लीस्ट काउंट इन दिस केस इज सेंटीमीटर, सो इट विल बी 1/2 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर. सही. इस केस में लीस्ट काउंट कितना है? 1 किलोमीटर. सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी 0.5 किलोमीटर. तो 0.5 बड़ा है या ये बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 0.5 किलोमीटर इज बिगर और 0.5 सेंटीमीटर इज बिगर? विच वन इज बिगर? 0.5 किलोमीटर इज बिगर. सो 0.5 किलोमीटर इज बिगर. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 किलोमीटर, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इज बिगर. सो दैट्स व्हाई देयर प्रिसिशन वैल्यू विल बी हाई. यहाँ पे आपने क्या लिखा है? हाई प्रिसाइज, हाई प्रिसिशन वैल्यू. समझ आ गया आपको? एंड दिस विल बी लो प्रेसिशन वैल्यू. अब रीड अप कर लेते हैं. अच्छा, प्रेसिशन इज दैट पार्ट ऑफ एक्यूरेसी विद इन विच द कंट्रोल विद इन द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेरिमेंटर. द एक्सपेरिमेंट मे चूज डिफरेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड मे यूज देम विद डिफरेंट लेवल ऑफ स्केल दस फाइंडिंग द प्रेसिशन ऑफ मेजरमेंट. डिफरेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट वही है जो अभी हमने डिफरेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं. First time we take the meter rod having least count 1 kilometer, then after that we took the meter rod having 1 centimeter least count. इसका least count 0.1 centimeter है, इसका 0.01 centimeter, इसका 0.001 centimeter. जो ही यू हम नीचे आते हैं तो measurement increase होता जाता है. सही है. यहाँ पे हम 1.2 तक सेंट मैया कर सकते हैं, 1.3 तक. यहाँ पे हम बहुत एक्यूरेटली मैया कर सकते हैं, 1.213, 1.214, 1.2 नहीं 1.21, 1.22, 1.24 इस तरह अप टू यानी 0.01 सेंटीमीटर. इसमें हम अप टू 3. अच्छा, यहाँ पे नीचे क्या कह रहे हैं कि द डिग्री ऑफ प्रिसिशन टू विच द मेजरमेंट इज मेड इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द मीटर रोड टू द 1 ईयर कैलिपर एंड फाइनली टू अ मीटर. सही है. द डिग्री ऑफ प्रिसिशन टू विच द मेजरमेंट इज इंक्रीज, इंक्रीज होते जा रहे हैं. जो ही हम नीचे आते जा रहे हैं तो हमारे पास इंक्रीज होते जा रहे हैं मेजरमेंट. अच्छा, नोट दैट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कोटेड फॉर द मेजरमेंट इंक्रीज एज द प्रेसिशन इंक्रीज. जितने सिग्निफिकेंट फिगर इंक्रीज होंगे उतना प्रेसिशन भी इंक्रीज होता जाएगा. इनफैक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेजरमेंट गिव एन इंडिकेशन ऑफ द प्रेसिशन ऑफ द मेजरमेंट. व्हेन ए मेजरमेंट इज रिपीटेड मेनी टाइम विद ए प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट द रीडिंग आर ऑल टूगेदर. अच्छा, प्रिसिशन को हम किस तरह कम कर सकते हैं और एक्यूरेसी को हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं? प्रिसिशन को हम इस तरह कम कर सकते हैं कि हम बहुत सारे मेजरमेंट्स ले लें. सही है. एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका आपने बहुत सारे मेजरमेंट्स लिए. लेट्स से आप 10 मेजरमेंट्स वैल्यूज ले लेते हो. सही है. उसका फिर आप मीन निकालो. मीन जब आप मीन फाइंड कर लेते हो मीन, तो वो आपका नियर टू एक्यूरेट वैल्यू होगा, नियर टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ट्रू वैल्यू होगा. सही है. तो मोर एक्यूरेट वैल्यू होगा, मोर एक्यूरेट. अच्छा, मेरे साथ यहाँ पे एक दूसरा टर्म्स है अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी जस्ट गिव यू द रेंज, द टोटल रेंज ऑफ वैल्यू विद इन विच द मेजरमेंट इज लाइकली टू लाई इज शोन. अच्छा, कि ये वैल्यू मेरे साथ कितनी रेंज में लाई करेगा. लाइक हेयर ए मेजरमेंट ऑफ 46, इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेंटीमीटर. सही है. लीस्ट काउंट इज 0.1 सेंटीमीटर, 4.0 गिवन है. सही है. तो 0.1 सेंटीमीटर एंड हाफ ऑफ 0.1 सेंटीमीटर इज 0.5 सेंटीमीटर. तो इसका जी इसका इसका मेरे साथ क्या होगा? अनसर्टेनिटी 46 यानी implies that the most likely value is 46.0 centimeter, but it could be as low. कम कितना होगा? कहाँ तक कम होगा? 45.5 तक कम होगा और as high as 46.5. यानी ये आपको limit देता है, high and low limit देता है. सही है. 46. ये इसका low limit होगा 45.5. This will be mid value and this will be their high लिमिट 46.5. समझ आएगी आपको? दिस विल बी देयर लोवेस्ट लिमिट, दिस विल बी देयर हाईएस्ट लिमिट एंड दिस विल बी देयर एक्चुअल वैल्यू.
सो दिस इज नोन एज अनसर्टेनिटी. ये आपको अनसर्टेनिटी बताता है कि इसका वैल्यूज यानी किसके बीच लाइक करेगा.